नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। लालू परिवार के छापे में ऐसे मिली नोटों की गड्डिया और सोने की ईंटें। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने कुछ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में लालू परिवार के ठिकानों से बरामद हुई नोटों की गड्डियों के साथ साथ सोने के बिस्कुट और गहने जेवरात भी पाए गए हैं। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हड़कंप मचा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि उसकी छापेमारी में 600 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई थी। जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली NCR, पटना, मुंबई और रांची में 24 जगहों पर छापा मारा गया था। इन जगहों पर तलाशी में 1 करोड़ रुपए की बिना हिसाब किताब की नकदी, 1900 अमेरिकी डॉलर और 540 ग्राम सोने की ईंट और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद किए हैं। सोने के आभूषण की कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही कई संपत्तियों के दस्तावेज, बिक्री किए गए संपत्ति के कागजात और दूसरे आपत्तिजनक दस्तावेज भी दोस्तों मिले हैं। ईडी ने कहा कि लालू परिवार ने अपने और बेनामी लोगों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन और दूसरे सामान की खरीदी की है। इन सबों के दस्तावेज भी मिले हैं। अब तक की बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के घर रेड मारी है, 600 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पता चल गया। जल्द ही दोस्तों डिप्टी CM तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर तो उन्होंने इसका हिसाब नहीं दिया तो जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। इस समय दोस्तों देश के अंदर हाहाकार मच रहा है। 3 घोटाले चल रहे हैं, शराब घोटाला, शिक्षक घोटाला और रेलवे घोटाला। लेकिन इन तीनों घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और अब दोस्तों लालू प्रसाद यादव के घर दोस्तों करोड़ों रुपए की नकदी, करोड़ों रुपए के आभूषण, सोने चांदी की ईंटें मिली हैं और 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का दोस्तों ईडी को पता चल गया है। अलग अलग इलाकों पर छापेमारी चल रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।